प्यारे विद्यार्थियों, आपका चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कक्षा 11 के अंग्रेजी अनिवार्य का ये ओरिजिनल पेपर है जो हमें हाल ही में प्राप्त हुआ है। मैं आपको ग्रामर के सभी प्रश्नों के उत्तर बताने वाला हूँ। पेपर का पैटर्न बड़े ही अजीबोगरीब तरीके का है। पेपर को पढ़ना शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अन्य साथियों को शेयर भी कर दीजिए। चलते हैं पेपर की ओर। समय 3 घंटे 15 मिनट, मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 है। पहला प्रश्न इसमें है, चूज द करेक्ट डिटरमिनर। अब यहाँ कुछ प्रश्न है जिसमें आपको डिटरमिनर भरने हैं। डू यू हैव पोस्ट कार्ड? यस आई हैव। पोस्ट कार्ड एक वचन है, स्वाभाविक सी बात है, बहुवचन वाले एक तो सम नहीं आएगा और एक फ्यू नहीं आएगा। अब बचा एनी और लिटल, तो यहाँ पर एनी आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? एनी आएगा, बी उत्तर है। डू यू हैव एनी पोस्ट कार्ड? क्या तुम्हारे पास कोई पोस्ट कार्ड है क्या? कोई यानी एनी कोई, लिटल नहीं, लिटल मतलब छोटा सा नहीं, कोई पोस्ट कार्ड है क्या? तो बी आ गया पहले में। फिर दूसरा प्रश्न, सी शोड, उसने दिखाई कंसर्न। कंसर्न माने होते चिंता दिखाना, किसी के प्रति चिंता प्रकट करना। फॉर अ स्टेप डॉटर, स्टेप माने होते सौतेली पुत्री। अब सी कोई महिला है और महिला जिस पति की वो पत्नी है उसके ठीक पहले कोई पत्नी थी और उसकी जो बच्ची है तो वो सौतेली माँ हो गई। तो एक सौतेली माँ अपने सौतेली पुत्री के प्रति जो चिंता दिखाती है वो कितनी हो सकती है? अब चिंता एक तो ये शब्द हो गया आपका काउंटेबल, अनकाउंटेबल हो गया, तो इसमें फ्यू और समाने की तो कोई संभावना नहीं है। अब ए लिटल और लिटल, ए लिटल मतलब थोड़ी सी चिंता और लिटल माने न के बराबर चिंता, तो सौतेली माँ है वो न के बराबर चिंता रखती है अपनी सौतेली पुत्री के प्रति। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो गया बी, दूसरे का क्या हो गया बी। तीसरा, आई कैन राइट विथ हैंड, मैं हाथ से लिख सकता हूँ। तो बोथ के बाद बहुवचन आता है और टू के बाद बहुवचन आता है, तो दोनों नहीं है। अब एवरी और आइदर का प्रयोग, एवरी तो बहुत अधिक के लिए था और आइदर दो में से एक या दोनों के लिए, तो आइदर हैंड। तो यहाँ पर आपका सी उत्तर है। कौन सा उत्तर है? सी उत्तर है कि आई कैन राइट विथ आइदर हैंड, मैं किसी भी हाथ से लिख सकता हूँ, यानी लेफ्ट से भी लिख सकता हूँ और राइट से भी लिख सकता हूँ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? रिक्स्तान मोर ऑन हैज रिक्स्तान मोर वन वांट्स। देखो ऐसी कंडीशन में दोनों तरफ कंपेरेटिव डिग्री हो तो वहाँ पर दोनों तरफ आर्टिकल द का प्रयोग होता है, ये है आपका बी। प्रश्न नंबर 5, द एग्स आर सोल्ड बाई ए डजन, तो यहाँ पर पाँच योग आ जाएगा ए। अब 6 से आगे हैं, फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। 6 से 10 में आपको करेक्ट फॉर्म भरनी है, यानी टेंस का प्रयोग करना है। बाय द नेक्स्ट मंथ, फ्यूचर टेंस है। वी सेल, अच्छा हेल्पिंग वर्ब सेल तो आएगी, द प्रोजेक्ट, तो देखो बाय द नेक्स्ट मंथ होता है फ्यूचर परफेक्ट में, जहाँ पर विल सेल के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म होती है और यहाँ पर हैव थर्ड केवल और केवल डी के अंदर है, तो आपका उत्तर क्या है? डी। प्रश्न नंबर 7, प्यारे विद्यार्थियों ये ओरिजिनल पेपर है जो बीकानेर से प्राप्त हुआ है। प्रश्न नंबर 7, एवरी बॉय एंड गर्ल रिक्स्तान इन द क्लास टुडे। देखो एवरी की बजाय बॉय एंड गर्ल दो बहुवचन हो जाते हैं, परंतु एवरी आ गया है तो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल यानी एक वचन ही दर्शाता है, तो आपका होगा इज प्रेजेंट। और तो सारे में देखो बहुवचन है, यहाँ एक वचन सिर्फ बी में है इज प्रेजेंट, हालांकि ये मीनिंग गलत है। सभी के अंदर तो नहीं है भाई गलत, ये देखो बी और सी में गलत है, बाकी ए और डी में प्रेजेंट मीनिंग सही है। तो उत्तर आपका है 7वें का बी। 8वां देखो, ही रिक्स्तान डेली फॉर ए ईयर नाउ। अब कोई एक्सरसाइज कर रहा है फॉर ए ईयर, एक वर्ष से नाउ, एक वर्ष से अब तक, अब एक वर्ष से कोई कार्य कर रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस और नाउ अब आ ही गया, तो इसमें हैज या हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग हम करते हैं, तो देखो ई के साथ हैज आएगा ही, एक वचन है, तो सी उत्तर है। 7-8वें का उत्तर क्या आपका? सी है। 9वां, नाइदर ऑफ द पेंटिंग्स, अब पेंटिंग्स बहुवचन है परंतु नाइदर एकवचन है, तो इसके साथ एकवचन की क्रिया आएगी इज सॉल्ड, तो यहाँ पर या वो इज सॉल्ड या वो सॉल्ड, तो यहाँ पर डी है, एकवचन केवल डी में है, बाकी तीनों में बहुवचन है,
हैव वर और आर बहुवचन है, तो इसलिए उत्तर आपका डी है। दसवां, बाय द टाइम सी वॉज 15, जब वह 15 वर्ष की थी, सी ए ब्यूटीफुल सिंगर, तो वह एक अच्छी सिंगर बन गई थी। तो 15 की होने से ठीक पहले बन गई थी, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है जिसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, तो आपको सी लगानी है, सी वाला उत्तर है। अब पर्सन 11 से लेकर 15 तक मॉडल का प्रयोग करना है, आपको मॉडल भरनी है। प्यारे विद्यार्थियों, ये ओरिजिनल पेपर है जो हमें बीकानेर से प्राप्त हुआ है। दिस ड्रेस सूट हर स्टाइल, सी डेफिनेटली लाइक इट, ये ड्रेस है वो उसकी शैली के अनुकूल है। सी डेफिनेटली लाइक इट, वह उसे बिल्कुल पसंद करेगी, तो यहाँ पर मॉडल विल का प्रयोग होगा, सी, सी विल डेफिनेटली लाइक इट। प्रश्न नंबर 12, व्हेन रमेश वाज 2, जब रमेश 2 वर्ष का था, ही ऑलरेडी स्पीक वेरी वेल, वह पहले से ही अच्छी तरीके से बोल सकता था, तो कुड का प्रयोग होगा। पास्ट की कोई बात बताई गई, यहाँ पर पास्ट की कैपेसिटी बताई गई है, तो कुड का प्रयोग होगा। 13, आई टॉक टू द मैनेजर, क्या मैं मैनेजर से बात कर सकता हूँ, तो यहाँ पर पोलाइट परमिशन मांगी जा रही है, बी आएगा। 13 के अंदर क्या आएगा, बी, मैं आई टॉक टू द मैनेजर, क्या मैं मैनेजर से बात कर सकता हूँ। प्रश्न नंबर 14, यू रिक्स्तान विजिट देम, जस्ट मेक ए फोन कॉल, यानी आपको वहाँ पर विजिट करने की आवश्यकता नहीं है, आप एक फ़ोन कॉल ही कर सकते हैं, तो यहाँ पर सी उत्तर आएगा, यू नीड नॉट विजिट देम, जस्ट मेक ए फोन कॉल। कैन नॉट नहीं आ सकता कि आप वहाँ विजिट नहीं कर सकते, विजिट मतलब मिलना, आप उनसे नहीं मिल सकते, एक फ़ोन कॉल, केवल एक फ़ोन कॉल कर लो, आप उनसे मिलो, एक फ़ोन कॉल कर लो, तो ऐसा कोई उचित नहीं बनता, सी ही उत्तर आपका है। अब देखिए 15 नंबर, चूज 15 नंबर में दियर बी ए फेमस शॉपियर, यहाँ पर एक प्रसिद्ध दुकान हुआ करती थी, तो ऐसी कंडीशन के अंदर यूजर 2 का प्रयोग किया जाता है, मॉडल यूजर 2, तो ए है, यूजर 2 बी ए फेमस शॉपियर। प्रश्न नंबर 16 देखिए, सी इज गोइंग टू लुक आफ्टर द कैट रिक्स्तान, आई एम अवे ऑन हॉलीडे, वह बिल्ली की देखभाल करने जा रही है, आई एम अवे ऑन हॉलीडे, जबकि मैं छुट्टी पर हूँ। अच्छा, ज्यों ही मैं छुट्टी पर हूँ वह बिल्ली की देखभाल करने जा रही है, तो यहाँ पर ज्यों ही आएगा बी, उत्तर क्या होगा, ज्यों ही आई एम अवे ऑन हॉलीडे, मैं छुट्टी पर होंगी, सी इज गोइंग टू लुक आफ्टर द कैट, कुछ हद तक वॉयल चल जाता। 17 नंबर देखो, आई विल कुक फूड, आई कम होम, जो ही मैं घर आता हूँ, जो ही मैं घर आ जाऊँगा भोजन पकाऊँगा, तो एज सुन एज जो ही आई कम होम भी आ जाएगा। 18 नंबर, द मैन गॉट माई फोन बैक वाज पुअर एंड होमलेस, द मैन वो जिसे गॉट माई फोन, मेरा फोन प्राप्त हुआ, वॉज पुअर एंड होमलेस। 19वां, आई विल गिव यू ए रिंग, वी गेट बैक फ्रॉम आवर वैकेशन, तो इसमें आएगा वहन, ए आएगा। 19 में क्या आएगा, ए आएगा वहन। प्रश्न नंबर 20, गिव मी द प्लेट इज ऑन द टेबल, तो देखो ये हु वॉम और हुज तो आने का मतलब ही नहीं, क्योंकि ये व्यक्ति के लिए आते, तो केवल डी बचा उत्तर आपका, विच, तो ये आपने कंजक्शन का प्रयोग यहाँ पर कर दिया है। ये ग्रामर के प्रश्न थे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 10-15, यानी एक लाइन में उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 21 देखो, हु इज टेप्लो, इन विच क्लास डज ही स्टडी, टेप्लो कौन था, कौन सी कक्षा में पढ़ता था, हु इज मिस्टर विने गाइटोंडे, मिस्टर विने गाइटोंडे कौन थे, विच रिवर डज रियली फ्लो फ्रॉम मानसरोवर, कौन सी नदी मानसरोवर से बहती थी, 24 नंबर, वाई डज ही थिंक नाउ दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी, चाइल्डहुड पोइम से, व्हाट डज द फादर प्लान टू डू, फादर टू सन पोइम से, पिताजी क्या प्लान बनाते हैं, हु हैज बीन डेड एंड हाउ लॉन्ग, ए फोटोग्राफ के अनुसार कौन मरा हुआ है और कितने समय से, विच मंथ एंड सीजन इज द पोइट टॉकिंग अबाउट इन बिगिनिंग ऑफ द पोइम, द लेबर नब टॉप, यानी अमलतास के छोर से पोइम है, उसमें से उसमें किस सीजन की चर्चा हो रही है। 28 नंबर, वॉम डज द पोइट एड्रेस द वॉइस ऑफ द रेन, वॉम किसे डज द पोइट एड्रेस, कवित्री है वो किसे संबोधित कर रही है। 29,
वेयर डज द पोइट थिंक हिज चाइल्डहुड हैज गॉन, कहाँ ये सोचता है कि उसका बचपन चला गया है। प्रश्न नंबर 30, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट हैड शहीद बिन टैकिंग, शहीद को किस प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जाता है। 31, व्हाई वाज मिसेस मॉर्गन्स मदर वरीड, मिसेस मॉर्गन की माता चिंतित क्यों थी। व्हाट बैंगड द किंग्स क्राउन ऑफ, 33, व्हाई डिड द ग्रैंड मदर हैट म्यूजिक, दादीमा म्यूजिक से हैट क्यों करती थी। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट वाज द पर्पज ऑफ द राइटर्स वॉयज, राइटर की यात्रा का क्या उद्देश्य था। प्रश्न नंबर 35, हु वाज तूतनखामून कौन था। तो ये एक एक नंबरों के 15 प्रश्न थे। आप देखो दो दो नंबरों के 15 प्रश्न हैं। डज फ्रैंक सीम टू एनकरेज टेप्लोस कमेंट ऑन क्रॉकर हैरिस, यू नाइदर ट्रेवल टू द पास्ट और द फ्यूचर, यू ओवर इन द प्रेजेंट एक्सपीरियंस ए डिफरेंट वर्ल्ड एक्सप्लेन। 38, द आर्टिकल हैज बीन टाइटल्ड सिल्क रोड गिव रीजन। 39, व्हाट इज द पॉइंट फीलिंग टुवार्ड्स चाइल्डहुड। 40, आइडेंटिफाई द फ्रेज एंड लाइन्स दैट इंडिकेट डिस्टेंस बिटवीन फादर एंड सन, यानी पिता और पुत्र के बीच में जो दूरियां थी उन दूरियों वाले शब्दों और लाइनों को यानी वाक्यांशों को आप पहचानिए। 41 नंबर प्रश्न, हाउ डिड शाहिद एंड द राइटर रिएक्ट टू नॉलेज दैट शाहिद इज गोइंग टू डाई। प्रश्न नंबर 42, आई हैव डन समथिंग ओ गॉड, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, व्हाई डज एंड्रयू सेज दिस, व्हाट डज इट मीन। प्रश्न नंबर 43, हाउ अकॉर्डिंग टू यू कैन पीस एंड लिबर्टी टू मेंटेन्ड इन ए स्टेट। 44 नंबर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स आउटसाइड आर्ट एंड आर्ट ब्रूट और रो आर्ट। प्रश्न नंबर 45, व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वी डिड दिस व्हेन डिड दिस कंसेप्ट बिकम पॉपुलर। प्रश्न 46, डज फ्रैंक सिम टू इनक्रोच टेप्लोस कमेंट ऑन क्रॉकर हैरिस। प्रश्न नंबर 47, डिस्क्राइब द करेक्टर ऑफ नेटर्स अंकल खोसरो। प्रश्न 48, व्हाट काइंड ऑफ लेडी वाज मिसेस मिस्टर डॉर्लिंग, मिसेस डॉर्लिंग होना चाहिए। 49, हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब हिज विलेज होसाहाली। प्रश्न 50, व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट वाज अल्बर्ट आइंस्टीन। तो ये दो दो नंबर के प्रश्न थे प्यारे विद्यार्थियों। अब 51 से लेकर 55 तीन तीन के हैं। व्हाट मैसेज डज जे बी प्रिस्टली कन्वे टू द सोसाइटी थ्रू दिस प्ले, मदर्स डे के माध्यम से जे बी प्रिस्टली है वो समाज को क्या संदेश देना चाहता है। 52, व्हाट डिड शाहिद विश टू डू बिफोर हिज डेथ, व्हाई, अपनी मृत्यु से पहले शाहिद क्या विश करता है और क्यों। व्हाई इज द इमेज ऑफ द इंजिन इवोक्ड बाय द पोइट। 54, तिब्बतियन मेस्टिफ्स वर पॉपुलर इन चाइनास इंपेरियल कोर्ट्स, व्हाई। इस पर मेंशन थ्री रीजन व्हाई द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू सिटी स्कूल, लेखक की दादीमा जब शहर के स्कूल में गई तो वो किस प्रकार से परेशान होने लगी। अच्छा, लेखक की दादीमा जब वो लेख शहर के स्कूल जाने लगा तो किस प्रकार से परेशान होने लगी। एक तो वो कहता ना कि गीत गाना बजाना ये सब कुछ वेश्याओं का नाचने वालों का काम होता है, हमारा काम नहीं होता, ये कुछ सीखना नहीं है। तो इस प्रकार से उसकी दादी माँ वो परेशान हो गई। और 70 से 80 जो शब्द हैं बड़े प्रश्न हैं, वो तीन ही प्रश्न हैं। 56 चार प्रश्न हैं। 56, डिस्क्राइब द करेक्टर ऑफ द किंग द टेल ऑफ मेलन सिटी, तरबूज शहर के राजा का वर्णन करो, चरित्र का। 57 क्या है, व्हाट डू यू गैदर अबाउट क्रॉकर हैरिस फ्रॉम द प्ले, अथवा में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ ओरी विद द लेबर इज ऑफ लॉस। 58, राइट ए आर्टिकल इम्पोर्टेंस योगा, यानी योग के महत्व पर आपको आर्टिकल लिखना है, अथवा आप एक स्पीच लिख सकते हैं, द मोबाइल हैंडसेट टू स्टूडेंट्स ए बून और एक कर्स, यानी एक वरदान या अभिशाप, बच्चों के लिए मोबाइल क्या है, वरदान है या श्राप है। 59 नंबर, राइट ए रिपोर्ट 100-200 वर्ड्स मॉर्निंग प्रेयर सेशन इन स्कूल, स्कूल के अंदर जो प्रार्थना होती है उस पर, अथवा राइट एन एप्लीकेशन टू द डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन ऑन अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन इंग्लिश। ये एक जॉब एप्लीकेशन वाला है, इंग्लिश के लेक्चरर के लिए आपको अप्लाई करना है डायरेक्टर को स्कूल के। तो प्यारे बच्चों ये पेपर था, परंतु ये पेपर है ओरिजिनल पेपर है, बीकानेर जिले का है, आज ये पेपर हो चुका है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा पेपर होना चाहिए। मैंने पिछले 2-3 सालों से देखा कि बीकानेर वालों का कक्षा 11 का ऐसा ही पेपर आता है जो बिल्कुल भी सही नहीं है, ये गलत तरीका है, रॉन्ग।
ये इसलिए रॉन्ग तरीका है कि इन्होंने 70 नंबरों के किताबों से प्रश्न दे रखे हैं, 70 अंकों के। अब आपको बताऊं भी एक एक अंक के 15 है, फिर दो दो अंक के भी 15 है तो वो 30 हो गए, फिर तीन तीन अंक के 5 है तो वो 15 हो गए, ठीक है, और फिर पांच पांच अंक के दो और है तो कितने अंक हो गए, 10। तो 10 और 15 25, 25 30 55 और 55 और 15 70। क्या 70 नंबरों 100 में से 70 अंकों की किताब आ सकती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये पैटर्न बिल्कुल गलत है। इन्होंने बीकानेर का ये ओरिजिनल पेपर है, आपका कोई भी साथी दोस्त बीकानेर में पढ़ रहा है तो आप उनसे पूछ लेना, ये बीकानेर का ओरिजिनल पेपर जो आज हुआ है कक्षा 11 का। लेकिन ये पैटर्न इनका है वो बहुत ही गलत है, ऐसा पैटर्न नहीं होता, बिल्कुल गलत है, और उम्मीद करता हूँ कि ऐसा पैटर्न कोई भी जिले का पेपर का नहीं होगा। अब आप इसको एज ए मॉडल पेपर मानकर अध्ययन करें, क्योंकि हर जिले का अलग अलग पेपर होता है और ये एक बिल्कुल हल्के लेवल का पेपर, हाँ ग्रामर के अच्छे पर्सन है उसके बाद सही तरीके का ये पेपर नहीं है, ऐसा पेपर होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पेपर में 3-4 पेसेज भी होते हैं ना, भी गद्यांश को पढ़कर आपको उत्तर देना होता है, स्टेंजा वगैरह दिया होता है, एक्सप्लेन करनी होती है, तो ये कुछ भी नहीं दे रखा है, तो ये पैटर्न गलत है। आप 40-45 नंबरों का या अधिकतम 50 नंबरों के लेसन में से क्वेश्चन रख सकते हैं, यहाँ तो इन्होंने 70 नंबरों के दे रखे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा 9 का भी इंग्लिश का पेपर आज हो चुका है बीकानेर के अंदर, तो उसकी भी हम PDF बनाने वाले हैं, आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत उसकी भी PDF, उसका भी पेपर आप वीडियो बनाने वाले हैं। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करते हुए अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप हमारी सोशल साइट से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। हम आपसे नए वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।